दुबई से खबर शाम करते हैं, जहां पर दुबई में सियाहत के फरोग के लिए शराब पर आए 30% टैक्स खत्म कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई हुकूमत का ये इकदाम पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले में दुबई को गैर मुल्कियों के लिए मजीद पुरकशिश बनाने की कोशिश समझा जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक दुबई में शराब पीने का लाइसेंस भी मुफ्त कर दिया गया है। इससे कबल शराब के खरीदार 30% टैक्स अदा करते थे। शराब पीने का लाइसेंस 270 दरहम सालाना यानी 16,000 पाकिस्तानी रुपए मिला करता था। लाइसेंस की हर साल तजदीद भी करानी होती थी। 21 साल या उससे ज्यादा उम्र के अफराद को लाइसेंस फराहम किया जाता है। शराब पीने के लिए लाइसेंस हुकूमत जारी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात से 140 मिलियन लीटर सालाना शराब फरोख्त होती है।